अलहमदुल्ला सुठो इलाज थे तो और सुठे तरीके से दिसन था। अलहमदुल्ला अस खुशी 24 घंटा वेझारा बैठा चाहे छोकर चाहे छोकरान वो अस मरीज खिदमत ला बैठा और को भी उन तकलीफ थे थी फौरन डॉक्टर साहब से वो मशवरो कन था फौरन असो ट्रीटमेंट दिन था। इन अलहमदुल्ला अवी भी अचे गरीब जो मूँ लसबेल इन अचे अवी भी दाखिलो वो ताकि मजीद ये तुम खर्चो को सिर्फ टेस्ट वगैरह खर्चो थे तो बाकी खर्चे का इंशाल्लाह वो वो मदद अल्लाह की मदद अलहमदुल्ला इलाज सुठो तो थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुल कदीर और मैं साथ मौजूद हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में। मेरे साथ एक पेशेंट है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो आए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या अमराज है और किन तकलीफ से किस तकलीफ़ की वजह से आप मुर्शिद हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल करीम कहाँ से हैं आप? अब्दुल कयूम अब्दुल बेला से आए हैं, लसबेला बलूचिस्तान। लसबेला बलूचिस्तान से। अच्छा, क्या हुआ आपका, अमराज क्या है आपका? ये सर मेरा ऑपरेशन हुआ था पहले बाटुआ में 2016 में। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ सर? गदूत का। गदूत का? अच्छा, गदूत का। तो इसके बाद वापस बंद हो गया, मैं आ गया होटल में थैली लगा था तो वापस बंद हो गया, वापस मैं ऑपरेशन थिएटर में चला गया, वापस उसको खोला। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर 7 दिन तीन दिन के बाद नली निकाला, थैली निकाला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम चला 8 साल तक सही चला। 8 साल के बाद दोबारा 2024 में हमारा ऑपरेशन वापस हुआ हेल्थ कार्ड के ज़रिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हेल्थ कार्ड के ज़रिए 2000 उसमें फिर वापस बंद हो गया। बंद हो गया तो वापस मैं 2024 में ऑपरेशन हुआ वापस 4 महीने के बाद दोबारा जनवरी फरवरी में वापस ऑपरेशन कराया, 4 महीने के बाद मार्च में ऑपरेशन कराया। अच्छा, ये मतलब ये कब से आपका ये गुदूत का मसला कब से? 2016 से हमारी तकलीफ जारी है। 2016 से आप? अच्छा, 8 साल में। 8 साल से ये मसला? 8 साल से फिर वापस ये ऑपरेशन हुआ इस अस्पताल में, ये मुर्शिद अस्पताल में। फिर वापस 4 महीने के बाद दोबारा वापस यही तकलीफ हुई, फिर वापस जनवरी फरवरी मार्च में वापस ऑपरेशन हुआ मेरा। अच्छा, मतलब अभी ऑपरेशन कब हुआ आपके यहाँ पे? सर 2 तारीख को हुआ है। 2 तारीख को? 2 तारीख को हुआ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो बेहतर है, बेहतर है पहले से, मतलब जिस आप तकलीफ से आए थे, जिस दर्द से आए थे, अभी वो आराम है? जी हाँ, अभी सुकून मिल रहा है, बेहतर है, पेशाबी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है और साफ़ हो रहा है, बड़ा फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ के जो स्टाफ है, जो आपका प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, यहाँ पर ड्रिप टाइम टू टाइम लगा रहे हैं, वो कैसे लोग हैं? जी हाँ, वो बहुत अच्छा अमला है, ये 24 घंटे हमारे साथ है, बेचारे वो बार बार देखभाल करते रहते हैं और तो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं? जी हाँ, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमईन है आप उनसे? जी मुतमईन है आप उनसे? सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन है। अच्छा अच्छा, बाकी बलूचिस्तान के जैसे कि आप रहने वाले हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है बलूचिस्तान, मतलब यहाँ पे मुर्शिद हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो रहा है बलूचिस्तान वालों का, तो आप उनके लिए कोई पैगाम दे सकते हैं कि वो यहाँ पे? उनके लिए पैगाम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर अच्छा काफ़ी, यानी डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं और अमला भी बहुत खिदमत में लगा हुआ है रात दिन, चाहे लड़कियाँ चाहे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे वो बिल्कुल पेरा दे रहे हैं और देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, देखभाल भी होती है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जितने लोग है तो आके अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब लोग बहुत, गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है उसमें खर्चा नहीं लेते ऑपरेशन का, बाकी चलो वो टेस्ट वगैरह का लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इलाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।